हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरीश कुमार पांडे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेविटी। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ पॉलीनोमियल्स लेक्चर नंबर 4, और ये अंतिम लेक्चर होगा इसका। बहुत ही बेसिक पे हम लोग जानेंगे इसको, और आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ्स कैसे हम लोग बनाते हैं इन पॉलीनोमियल्स का, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर पहला स्लाइड है हमारे पास, और पहला स्लाइड एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करती है। और एनसीईआरटी का देखिए, इन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि एक इक्वेशन लिया है जो कि ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का है। किसके फॉर्म का है बच्चों? ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का। अब ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। एक्स का पावर भी वन है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी वन है, और इसका ग्राफ इन्होंने बना रखा है, स्ट्रेट लाइन आया है। आप क्लास नाइन्थ में ही जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वहाँ पर आप क्या देखे होंगे कि आप जो दो ग्राफ्स बनाते हो ना, वो जहाँ कट करती हैं वहीं के जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सोल्यूशन देते हैं। तो एक इसने ग्राफ बना लिया है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एनसीईआरटी ने लिया है, और यहाँ पर पहले इनपुट दिया है एक्स के फॉर्म में और आउटपुट जो कि वाई के इक्वल है। तो एक्स की वैल्यू को सबसे पहले माइनस टू सब्सटीट्यूट किया है, तो टू एक्स प्लस थ्री में अगर आप माइनस टू करोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस फोर प्लस थ्री, यानी कि माइनस वन। तो ये आया है, और आप टू सब्सटीट्यूट करोगे अगर, तो फोर प्लस थ्री सेवन। तो ये दो वैल्यूज आई हैं। तो एक्स जब माइनस टू है, जब एक्स की वैल्यू माइनस टू है, टू है, तो वाई कितना है? माइनस वन, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने दो पॉइंट को लिया है, टू और सेवन को यहाँ ले लिया इन्होंने, और ये ले लिया है किसको, एक मिनट, इन्होंने यहाँ पर लिया है माइनस टू माइनस वन को, ये पहला वाला पॉइंट, और टू सेवन को यहाँ, है ना। अगर मैं इसको बोलूँ, इसको चलिए ए नाम दे देता हूँ, इसे मैं बी नाम दे देता हूँ, है ना। इन्होंने इन दो पॉइंट्स को ले रखा है। अब जब आप अगर यहाँ पर एक्स को ज़ीरो कर दोगे, एक्स ज़ीरो कर दोगे, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी थ्री। तो ये कोऑर्डिनेट आप देखिए, ज़ीरो प्लस थ्री। अच्छा, वाई को अगर कहीं ज़ीरो कर दोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो माइनस टू बाई थ्री। तो यहाँ पर आ रही है ज़ीरो और माइनस थ्री बाई टू। तो ये भी पॉइंट इन्होंने ले रखा है, ठीक है ना। अब इन चारों को जोड़ने पर एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और ठीक है। तो ये होता है ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है, इसको एनसीईआरटी ने बाद में एक्सप्लेन किया है फिर, है ना। तो इसके बेटर रेफरेंस के लिए आप चेक कर लें लीनियर, मैं चैप्टर नाम लिख दे रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास टेंथ में भी है, हम लोग इसको इस साल फिर से पढ़ेंगे एक बार। फिर भी मैं आपसे बोलता हूँ कि आप क्लास नाइन्थ का जितना है उसको आप दोबारा से देखाएं इसको, तो आपको थोड़ा सा ग्राफ्स का आइडिया लगेगा किस तरह से ग्राफ्स इसमें होती हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है कि यहाँ पर जो ग्राफ आप देख पा रहे हो ना, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है। हम लोग ऐसे किसी ग्राफ को नाम देते हैं पैराबोला। और इस ग्राफ की खासियत क्या होती है, ये वाई इज इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस सी का टाइप का होता है ना। मतलब यहाँ वाई और एक्स में एक स्क्वायर का मतलब, या तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स होगा, या तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई के टर्म का इक्वेशन, इन दोनों में से किसी भी टर्म का इक्वेशन आपको दिख सकता है। ऐसे किसी भी इक्वेशन को हम लोग बच्चों पैराबोला नाम देते हैं। तो यहाँ इन्होंने एक इक्वेशन लिया है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। अब एक्स की वैल्यू रखी है माइनस टू, तो यहाँ यहाँ जैसे यहाँ पर जितना भी एक्स है वहाँ माइनस टू रखोगे आप, तो ये वैल्यूज आएंगी। तो ये है आपका इनपुट और ये है आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट को यहाँ प्लॉट किया गया है सारे पॉइंट्स को। जैसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे होगे, पहला पॉइंट है माइनस टू और सिक्स, माइनस टू और सिक्स पहला पॉइंट है। एक्स की वैल्यू माइनस टू और वाई की वैल्यू सिक्स, तो एक्स की वैल्यू माइनस टू पर वाई की वैल्यू सिक्स, तो पहला पॉइंट ये है ए। दूसरा पॉइंट एक्स माइनस वन वाई ज़ीरो, तो ये है दूसरा पॉइंट आपका x माइनस वन और y ज़ीरो। तीसरा पॉइंट ज़ीरो और माइनस फोर, ज़ीरो और माइनस फोर, तो ज़ीरो और माइनस फोर ये रहा आपको, तो ये c नाम दे देता हूँ। फिर चौथा पॉइंट वन और माइनस सिक्स, तो वन और माइनस सिक्स को मैं ऐसे d नाम दे देता हूँ ये वाले पॉइंट को। उसके बाद ये पॉइंट को e नाम दे देता हूँ जो कि टू और माइनस सिक्स है। फिर इसको f नाम देता हूँ थ्री माइनस फोर को, है ना। ये g पॉइंट हो गया और ये कोई h पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो इन सब पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे ना, तो आपको एक कर्व मिलेगा, नहीं ना कि एक स्ट्रेट लाइन, है ना। अब सर हमें कैसे पता ये कर्व है, हमें कैसे पता स्ट्रेट लाइन नहीं है? बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे,
आप यहाँ पर भी एक सवाल पूछ सकते थे कि सर हमें कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन है। हो सकता है कि अगर ये दो पॉइंट है तो ये ऐसे करके ग्राफ गया हो, फिर ऐसे आया हो, फिर ऐसे गया हो, यहाँ तक पहुँचा हो, ऐसे भी तो हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है ना, हम लोगों ने यहाँ पर एक्स ही बनाया है ऐसे। खैर, तो जो मैं अंत में बनाया हूँ, जरा मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ, ये वाले पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, जरूरत नहीं थी इसके इसलिए। तो हमें कैसे पता सर कि स्ट्रेट बनेगा, एक कर्व बनेगा? बेसिकली हम करते क्या है बच्चों, कि हम सारे ही पॉइंट्स को, मतलब कुछ कंटिन्यूस पॉइंट्स को लेकर के एक बार स्टडी किए, बस एक बार स्टडी किए हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ए पॉइंट मिल रहा है ना, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है ना, बहुत सारे पॉइंट है। तो इन सब की स्टडी आप करोगे ना, और जब इन सारे पॉइंट्स को जब आप जोड़ोगे तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन करके कर्व लाइन ही बनती है। तो यहाँ से हमको आइडिया है कि ये कर्व लाइन बनती है। तो ये कर्व लाइन या तो ऊपर खुलेगी, इसे हम लोग बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला, ऐसे कर्व लाइन ऊपर खुल रही है तो अपवर्ड पैराबोला, और ऐसे कर्व लाइन जा रही है तो डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है ना, ऐसे जाएगी तो क्या बोलेंगे इसको, डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये सारी चीज़ों आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर ए आपका बड़ा होगा किससे, जीरो से, यानी कि ए पॉजिटिव होगा तो ऐसा कुछ बनेगा, यानी कि जो हमारा इक्वेशन होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म का, उसमें ये ए अगर पॉजिटिव है तो इस तरह से इस पैराबोला की ओपनिंग होगी, ठीक है ना, और नेगेटिव है तो ऐसे डाउनवर्ड टाइप में पैराबोला की ओपनिंग होगी, ठीक है ना। तो ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, आप इनको बहुत ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें बस इतना ही था, बहुत कुछ ज़्यादा था नहीं बताने को मेरे लिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं आप वो खुद ही करेंगे, है ना। बस आपको मैं बता दूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का दिया होगा उसको लिख लेना, आप ट्रुथ टेबल बनाना, ये y बाद में लिखना होगा, y को पहले मिटा दो, ये y को मिटाओ यहाँ से। तो आप पहले बनाओगे बच्चों ट्रुथ टेबल, तो ऐसे कुछ बनेगा। तो पहले आप x लिखोगे जिसको हम लोग इनपुट नाम देते हैं, है ना, फिर y लिखोगे जो कि आउटपुट होता है हमारा, है ना। तो लेट से कोई इक्वेशन तुम बना रखे हो, y इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फोर, ऐसा कोई बना रखो इक्वेशन। तो x की वैल्यू जीरो रख लो, तो देखो y कितना आ रहा है, तो जीरो प्लस जीरो प्लस फोर, ये फोर आएगा, है ना। x की वैल्यू वन रख लो तो थ्री प्लस सेवन टेन प्लस फोर एलेवन, ये एलेवन आ जाएगा। टू रखोगे तो टू टू जा फोर, थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फोर्टीन ट्वेंटी सिक्स, और ट्वेंटी सिक्स प्लस फोर थर्टी, तो टू रखने पे कितना हो जाएगा थर्टी। तो आप इसका ग्राफ बना सकते हो, क्लियर है। चलिए, अब सिर्फ इतना ही बात नहीं है, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वाई है ना वो जीरो कहाँ कहाँ हुआ है। तो वाई जीरो हुआ है माइनस वन पर, और वाई जीरो हुआ है फोर पर। y0 कहाँ कहाँ हुआ है, माइनस वन पर और फोर पर, ठीक है ना। तो x की वो वैल्यूज जिस पर y0 हो जाता है उसे तो हम लोग जीरोस बोलते थे ना, उसे हम लोग क्या बोलते थे, जीरोस। तो जब आप ट्रुथ टेबल बनाओगे ना तो आप चेक करोगे कि y कहाँ कहाँ पर जीरो हो रहा है, और y जहाँ जहाँ जीरो होगा वही इसके आंसर्स होंगे, ठीक है ना, वही x के आंसर्स होंगे, है ना। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ग्राफ में पैराबोला, सिर्फ इस केस में ग्राफ में पैराबोला जिन पॉइंट्स पर कहाँ के पॉइंट्स को, एक्स पॉइंट्स पर, एक्स एक्सिस को टच करता है या कट करता है वही क्या कहलाते हैं बच्चों, जीरोस। वही क्या कहलाते हैं, जीरोस, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। चलो, अब आप ध्यान देना एक और बात ध्यान देना, यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये वाले ग्राफ ने वन टाइम कट किया है। देखो, तो एक बार कट किया गया यहाँ पर एक्स एक्सिस को, तो सोल्यूशन कितना होगा, एक। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे इसका ग्राफ, तो यहाँ पर दो बार टच किया गया है, टू टाइम कट किया गया है, तो सोल्यूशन कितने होंगे, दो। तो अगर मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसा है जिसमें एक्स का पावर फाइव है ना, अगर कोई ऐसा इक्वेशन बन रहा है जिसमें एक्स का पावर क्या है बच्चों, फाइव है, x का पावर फाइव या x की डिग्री फाइव है, मान लेते हैं डिग्री अगर फाइव है इक्वेशन का, तो x एक्सिस को ये लाइन पांच बार कट करेगी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ऐसे पांच बार कट करेगी इसको, फिर आगे ऐसे कंटिन्यू हो जाएगी, ऐसे फिर आगे ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा, ये दोबारा दोनों टच नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर ये पाँच है तो ये पाँच बार कट करेगी। तो एक्स टू द पावर एन का मतलब एन नंबर ऑफ सोल्यूशन, पहली बात ये, और n टाइम्स कट्स x एक्सिस,
ये बात इसमें से सीखने वाली है, ठीक है ना। ठीक है, तो आप जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक दो दिए हुए हैं उनको आप कर लेंगे, और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, उसके बाद इसको आप फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा वीडियो था, है ना, अभी 10 मिनट और 14 सेकंड का मात्र बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अगला जो चैप्टर होगा वो स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, बट शायद हो सकता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी स्टार्ट कर दें। जैसा अभी वहाँ, बस ट्यून रहिए, लाइक करते रहो, है ना, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, जो भी डाउट्स हो रहे हैं वो कमेंट कर सकते हो, कुछ गलतियाँ हो रही हैं बताने के लिए उसको भी कमेंट कर सकते हो, गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं, हम भी इंसान हैं, ठीक है। और भी अगर तुम कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हो कि सर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराइए या आरडी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कराइए, तो कमेंट बॉक्स में बताओ, तो नीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम किया जाएगा, ठीक है ना। चलो पढ़ाई करते रहो, और थैंक यू आज के लिए।